हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 ट्रेंगल त्रिभुज, और इसका क्वेश्चन नंबर 16 है कि AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC बनाया, दूसरा त्रिभुज PQR बनाया जिसकी माध्यिका AD और इसकी माध्यिका PM बना लिया, इनकी माध्यिकाएं हैं। जबकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है, तो सिद्ध कीजिए कि AB अपॉन PQ बराबर होगा AD अपॉन PM। इसका मतलब कि इनकी दो साइड्स का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कि AB अपॉन PQ का रेशियो बराबर होना चाहिए AD अपॉन PM के रेशियो के। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को पहले से दिया है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। लिखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और जब समरूप है इसका मतलब इनके कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण B बराबर होगा कोण Q के, लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज का कोण B बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण Q के। और जब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं AB अपॉन PQ का रेशियो, AB अपॉन PQ का रेशियो बराबर होना चाहिए इसकी दूसरी भुजा। ठीक है, तो दूसरी भुजा हम लोग मान लेते हैं पूरा BC और QR के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं BC अपॉन QR के बराबर होना चाहिए। जबकि ये अगर माध्यिका है तो माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगी। हम लोग इतना लिखें या फिर इसी BC को हम लोग लिख सकते हैं, BC अपन QR को इसका अगर आधा कर दें तो 1/2 BC और 1/2 QR कर दें, तब भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि 1/2 से 1/2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे PB नहीं AB है, AB अपन PQ का रेशियो। तो AB अपन PQ का जो रेशियो होगा 1/2 BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो BC का आधा कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो लिख सकते हैं BD अपॉन इस QR का आधा कितना हो जाएगा, QM हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ये QM के बराबर हुआ। हम लोग देख रहे थे कि ये क्या था, ये एंगल थे। ठीक है, ये क्या था, एक साइड था, ये एक साइड था। और हम लोग देख रहे हैं कि BD और QM कहाँ तक है, तो BD और QM यहीं तक है। इसका मतलब AB और PQ की बात हो रही है, तो AB है, ये PQ है। इसका मतलब ABD एक त्रिभुज की बात हो रही है और यहाँ पे PQM त्रिभुज की बात हो रही है। तो लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABD, क्योंकि ये BD और QM छोटे त्रिभुज की भुजाएं हैं इस त्रिभुज की ABD की। तो लिख सकते हैं ABD और त्रिभुज PQM के लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे और ये एंगल होगा। तो लिख सकते हैं साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, क्योंकि साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया लगाया। जबकि हमको ये भी दिया है कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो जब समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब AB भुजा के लिए इस त्रिभुज का PQ और इस BC भुजा के लिए, या फिर लिख सकते हैं इस BD भुजा के लिए इस QM का रेशियो बराबर होना चाहिए, और इस AD भुजा के लिए PM के रेशियो, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए त्रिभुज ABD के ABD में और त्रिभुज PQM में हम लोग देख रहे हैं कि ये इस भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। जबकि जब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसलिए AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM के, जो कि हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, मिला लीजिए AD अपॉन PM आ गया और यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6.3 ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे एक्सरसाइज 6.4 पे, और सारे वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आपको प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं।